तो गाइस आपको पता है ना कि अब समर काफी तेजी से एंट्री कर रहा है इंडिया के में, और काफी ऐसे सेगमेंट है, रीजंस है जहां पे समर अच्छे से एंट्री कर गया है। और समर जब एंट्री करता है ना, और इसी टाइम में हमारे कॉलेजेस शुरू होते हैं, स्कूल शुरू होते हैं, और कॉलेज भी काफ़ी लड़के जाते हैं जिन कॉलेज में अपना आउटफिट नहीं होता है, मतलब उनकी ड्रेसेस नहीं होती है, तो काफ़ी सारे लड़के कैजुअल ड्रेस की तरफ जाना चाहते हैं। और तो हम काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं कि कौन से कपड़े में इन्वेस्ट करें, क्या क्या अपने को कॉलेज में पहन के जाने चाहिए। और कुछ ऐसे स्टेटमेंट होते हैं जिनमें आप हमेशा इन्वेस्ट करो और ज़रूर ही इन्वेस्ट करना चाहिए। तो वहीं पर जैसा अपने टाइटल में देखा, यहाँ पर हम लोग एक पोलो टी शर्ट के बारे में बात करने वाले। पोलो टी शर्ट क्या है कि समर में अपने को कंफर्टेबल भी रखते, साथ ही साथ क्लासी भी आप आराम से दिख सकते हैं। इनको स्टाइल करना काफ़ी इजी होता है, जींस के साथ, चीनोज के साथ, और भी जो हमारे फैशन स्टेटमेंट है उनके साथ हम लोग इनको पहन सकते हैं। इनको नॉर्मल टकआउट करके भी पहन सकते हैं, टक इन करके भी पहन सकते हैं, और कॉलेज के साथ साथ अपने रेगुलर लॉन्च वियर में भी यूज कर सकते हैं। तो आज इसी टी शर्ट के बारे में डिटेल से बात होने वाली, इनकी अनबॉक्सिंग, प्राइस, फिटिंग, सब कुछ के बारे में डिटेल से बात करेंगे। अगर आपको इस टी शर्ट में इंटरेस्ट है या कोई पोलो टी शर्ट आपको चाहिए तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। साथ ही साथ चैनल पर पहली बार विजिट किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लिए, ऐसे वीडियोज हम आपके लिए रेगुलर बेसिस पे लेके आते रहते हैं। चलिए फटाक से इसको अनबॉक्स करते हैं, उसके बाद डिटेल से इसके बारे में और बात करेंगे। आज की जो अपनी अनबॉक्सिंग है ना, अगेन मिंत्रा की तरफ से, ये आपको अगर आप हमारे चैनल पर रेगुलर विजिट करते होंगे ना, रेगुलर वीडियोस को देखते होंगे या जाके देखे हुए, तो आपको पता चलेगा कि बैक टू बैक हमने मिंत्रा के काफ़ी सारे कपड़े मंगाए हैं। और खासकर सारे जो कपड़े थे ना, हमने समर ओरिएंटेड मंगाए थे कि समर में अगर आपको पहनना है तो कौन सा आपको फिट आए, कम्फर्टेबिलिटी कैसा हो। तो ये जो है रूडेस्टा की तरफ से एक हमने पोलो टी शर्ट मंगाया है, क्योंकि समर में ना जो थोड़े से एथलेटिक टाइप के बंदे होते हैं जिनको थोड़ा सा अपना मसल विजिबल करना होता है, उनके लिए इस टाइप के शर्ट काफ़ी, टी शर्ट काफ़ी अच्छे होते हैं, पोलो टी शर्ट। और ये आप देख सकते हैं रोडेस्टा ब्रांड का है, ठीक है, आपको रोडेस्टा ब्रांडिंग मिल जा रही है। यहाँ पे टैग की बात करें 999 प्राइस है और एम साइज में मिल रहा है, ठीक है। अगर बात करें स्लिप्स पे, तो स्लिप्स पे ऐसा देख रहे हैं आप, कलर तो आप देख रहे हैं पूरा डार्क मैरून है, और यहाँ पे अपने को इलास्टिक मिल रहा है। नीचे की तरफ डिजाइन जो है सिंपल मिल रहा है और हल्का सा स्ट्रेच अपने को इसमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। ड्यू टू ये होता है इसकी जो मतलब बनावट है, बुनाई है, उसके हिसाब से नेटिंग के लिए मटेरियल से कोई दिक्कत नहीं है। मटेरियल जो इसका 100% कॉटन ही होना चाहिए। मैं कंपोजिशन वाला पार्ट आपको दिखा दूँ, आप देख लो 100% कॉटन। गाइज अगर आपको, अगर हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं ना, यहाँ पे मैंने प्रिडिक्ट करके ही बता दिया, तो गाइज बिलीव करो मैं एक टेक्सटाइल इंजीनियर हूँ और मैं इतना इन कपड़ों में रहता हूँ या मटेरियल में रहता हूँ कि मुझे टच करके अच्छा लगता है ना उनको गेस करना, और जब एक्यूरेट होता है, ओबियस है कोई भी गेस कर सकता है, मैं ये नहीं बोलता हूँ, बट हमारे हाथों में ना एक अलग सा फील होता है, ठीक है। मैं इसको टच करके ही बता सकता हूँ ऐसे कि इसमें कितना क्या है, ठीक है। ऊपर से अपने को टेक्सचर फील मिल रहा है, ठीक है। कलर वाइज काफ़ी बढ़िया है। कॉलर की बात करें तो कॉलर पर भी अपने को सेम मटेरियल मिल रहा है, और दो बटन अपने को यहाँ प्रोवाइडेड, कोई ऊपर पैकेट वगैरह नहीं प्रोवाइडेड है। फिट अपने को अच्छा आना चाहिए, एम साइज में हमने मंगाया है। तो चलिए अब ले लेते हैं इसकी साइज चार्ट की मेजरमेंट, ठीक है। साइज चार्ट की मेजरमेंट ले तो चेस्ट अपने को मिल रहा है 42 इंच का मेरे में बफर आएगा, ठीक है, मेरे पे फिट नहीं आएगा, हल्का लूज आएगा। लेंथ 26.5 मिल रहा है, यानी कि लेंथ ठीक है। अब आ जाएंगे ना शोल्डर पे, और क्योंकि पोलो टी शर्ट ना भाई, शोल्डर पे अगर अच्छे फिट बना लिए ना, और शोल्डर की लाइनिंग जो है वो डिफाइन हो गई, तो आपका समझिए कि सारा काम हो गया। और इसकी लाइनिंग मेरे में मस्त डिफाइन हो जाएगी, क्योंकि ये 17 इंचेस का शोल्डर है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है। अब मटेरियल को आप पास से देखो, ठीक है, आप मटेरियल को पास से देखो, आप देख रहे हैं कितना बढ़िया लग रहा है। मैं कोशिश करता हूँ ना आपको दुकान वाला जो एक्सपीरियंस है वो दिला दूँ। ओबियस है कि आप इसको टच नहीं कर सकते, बट आप मेरे बातों को और मेरे आवाज़ को फील कर सकते हैं ना, कि मैं यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा टेक्सचर वाला फील है। अंदर से मैं आपको दिखाऊँ तो अंदर से आप देखो पूरा स्मूदर अपने को फील देखने को मिल रहा है, ठीक, पूरा स्मूदर फील अपने को देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर ऊपर की तरफ ये थोड़ा सा टेक्सचर है, तो मतलब बॉडी पे अच्छा ड्रेप बनाएगा। मैं फिट, कंफर्ट, प्राइस, वर्थ है कि नहीं, सब कुछ आपको बता दूंगा। तो वीडियो को आप पूरा जरूर देखिए, ऐसे वीडियोज हम आपके लिए रोज लेके आते हैं, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए। चैनल पे पहली बार विजिट किए तो सब्सक्राइब जरूर करिए। मैं बार बार सब्सक्राइब करने को इसलिए बोलता हूँ ना, कि आप जो भी पैसे डालते हैं ना ऑनलाइन, वो आपका वेस्ट ना जाए, इस तरीके से डेप्थ आपको रिव्यू मिले, तो जिसके कारण आप कोई भी परचेज करो तो आपका पैसा हमेशा बढ़िया और ऑन पॉइंट लगे। तो चलो फिर वीडियो मिलते हैं आगे। तो गाइस सबसे पहले आपने जब देखा अनबॉक्सिंग वाले पार्ट को, आपको पता चल गया मिंत्रा का रोडेशा ब्रांड है, जो एक मिंत्रा कन्विंस्ड ब्रांड है, और ठीक है,
और यहाँ पे अगर साइज चार्ट की माने ना, जो साइज चार्ट हमने यहाँ पे मेजरमेंट किया वहां पे देखा कि जो इसकी चेस्ट थी 15 इंच का था, शोल्डर 17 और लेंथ 26.5। ठीक है, वहीं पे जो साइज चार्ट में मेंशन है वहां पे चेस्ट अपने को मिलता है 40 और शोल्डर 17, लेंथ 28, यानी कि लेंथ में थोड़ा सा अपने को ज्यादा मिल जाता है। ये एक अच्छी बात भी है कि लेंथ अगर ज्यादा होगा ना, तो जब हम टक इन करके इसको चिनोजेन और उसके साथ पहनेंगे ना, तो वहां पे ये काफी अच्छा अपने को रहेगा। और हाथ भी हम अगर ऊपर करेंगे ना, ये इजीली बाहर नहीं आएगा, जिसके कारण आप पार्टी नॉल में भी आराम से इसको पहन पाओगे और थोड़ा सा क्लासी टाइप का दिख पाओगे। ठीक है, वहीं पे अगर आएंगे साइज चार्ट हो गया, अब प्राइस की बात करें ना, तो ये केवल 400 प्लस में आपको देखने को मिल जाएगा। 400 प्लस में मटेरियल आपको 100% कॉटन मिलता है। ठीक है, टेक्सचर टाइप का फील मिलता है और फिटिंग काफी जबरदस्त होती है। फिट की बात करें तो मेरे पे जो ये फिट है, यहाँ पे अपने को 2 से 4 इंच का स्पेस मिल रहा है चेस्ट के ऊपर। ठीक है, गल्पी फिट अपने को बाइसेप्स के ऊपर गल्पी फिट मिल जा रहा है। ठीक है, और थोड़ा सा टेक्सचरस फील अपने को स्किन पे आ रहा है, क्योंकि अब पोलो टी शर्ट जो डिजाइन ही वैसे होते हैं थोड़े से टेक्सचर फील में, लेकिन ये लेंथ थोड़ा सा ज़्यादा है, जो अच्छी बात है, स्टाइलिंग के लिए काफ़ी सही होगा। तो फिट के हिसाब से ये अच्छा है, जिस साइज़ का हमने मंगाया है मैं आपके लिए साइज रिकमेंड करूँगा। उसके पहले इसके कम्फर्टेबिलिटी के बारे में बात करें तो ये ना समर के हिसाब से काफ़ी कम्फर्टेबल होता है और इसको स्टाइल करना उतना ही इजी होता है। और साथ ही साथ ये पोलो जो टी शर्ट होते हैं ना, एक्टिव वियर टाइप के अपने को थोड़ा सा फील देते हैं। तो यहाँ पे जो एज कंस्ट्रेंट आ जाता है ना, कि हम टी शर्ट पहनेंगे तो काफ़ी सारे लोग होते हैं जो नॉर्मल ऐसे राउंड नेक टी शर्ट नहीं पहनना चाहते, जो थोड़ा सा एजी होते हैं, तो वो दिक्कत यहाँ पे आपकी खत्म हो जाती है। पोलो टी शर्ट जो हमारा वो एक बैरियर होता है उसको तोड़ देता है। आप आराम से, हम अगर 12 साल से लेके 32 साल तक भी हैं या उससे भी बड़े हैं, तब भी आप पोलो टी शर्ट आराम से पहन सकते हैं। तो एक ऐसा इन्वेस्टमेंट आपके साथ हो जाएगा कि अगर आप कॉलेज में हैं तो कॉलेज में भी यूज़ कर सकते हैं, कॉलेज के बाहर अगर आप जाना चाहते हैं वहाँ पर भी यूज़ कर सकते हैं, या कॉलेज के बाद इसको अब रख देते हैं तो लंबा भी आप आराम से इसको यूज़ कर पाएंगे, या अदर कोई आपके घर में है छोटा भाई या बड़े भाई वो भी आराम से इसको यूज़ कर सकते हैं। या एक ऐसा ऑप्शन हो सकता है कि मान लीजिए आप किसी को गिफ्ट करना चाहें, आपके फादर हो गए, ग्रैंड फादर हो गए, बड़े भाई होंगे, उनको अगर आप कुछ गिफ्ट करना चाहते हैं तो कुछ समझ नहीं आया ना, तो पोलो टी शर्ट उठाकर उनको गिफ्ट कर दीजिए। अगर 400 की बजट है ना तो ये वाला कर दीजिए, या अदरवाइज अगर बजट अगर ऊपर नीचे जा रहा है, मतलब प्रीमियम की तरफ जाना चाहते हैं, तो 2-4 ऑप्शन मैं नीचे लिंक कर दूंगा इसके लिंक के साथ, जाके उसको भी चेकआउट कर सकते हैं, या हमारे पिछले सीजन्स के कुछ वीडियोस देख सकते हैं जहाँ पे हमने पोलो टी शर्ट जैक एंड जोन्स के, एलन सोली के, इन सब ब्रांड्स के पोलो टी शर्ट हमने अनबॉक्स किए हैं, जाके उनको चेकआउट कर सकते हैं। अब आ जाएगा सोली की कौन सा साइज आपको फिट आएगा। तो गाइस, आप थोड़ा सा रिलैक्स और थोड़ा सा लूज और कोजी टाइप का के लिए जाना चाहते हैं ना, तो अगर आपका चेस्ट 38 है या 36 है तब आप इसके एम साइज के लिए जाइए। अदरवाइज अगर थोड़ा सा आप टाइटर टाइप का फील लेना चाहते हैं तो आप साइज रिड्यूस कर सकते हैं। अगर आपको कंफ्यूजन होगा कौन सा साइज आपको परफेक्ट फिट आएगा तो नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बता दीजिए, मैं आपके लिए जो वो साइज है रिकमेंड कर दूंगा। तो गाइस ये था इस पोलो टी शर्ट के बारे में पूरा। अगर कोई कमेंट की कंफ्यूजन है तो नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही, आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अगर कोई कमेंट क्वेरी कंफ्यूजन है नीचे आपका स्वागत है। गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए और धमाकेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, अलविदा, मसाला मैं चेक किया, एंजॉय वाच एवरीवन, आर माय लवली फ्रेंड्स।